दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। क, ट, त, प, म, अ, ये सभी वर्ण हैं क्योंकि इनका सबसे छोटा रूप हमारे सामने है। इससे अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें वर्ण कहा जाता है। तो कई बार प्रश्न आता है कि ध्वनि क्या है? ध्वनि भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई। भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई को ध्वनि कहा जाता है। वर्ण में हम पढ़ते हैं कि सबसे छोटी लिखित इकाई, जबकि ध्वनि है उच्चरित इकाई। वर्ण को लिखा और पढ़ा जाता है, जबकि ध्वनि को बोला और सुना जाता है। बात आती है कि वर्णमाला जिस प्रकार से एक माला में सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उसी प्रकार हिंदी की वर्णमाला में भी सुंदर सुंदर वर्ण क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से रखे गए हैं, इन्हें वर्णमाला कहा जाता है। तो वर्णमाला क्या है? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर हम और आगे बात करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला के जब मूल वर्णों की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण हैं 44 हैं। मूल वर्ण चवालीस हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। स्वर, और व्यंजन। 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, कुल हुए 44। स्वर ए, आ, ई, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये 11 स्वर हैं। व्यंजन वर्ण क वर्ग में क, ख, ग, घ,
नंग। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। कैसे लेकर के मैं तक 25 जो वर्ण हैं ये वर्गीय व्यंजन वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये वर्ग में आते हैं। क वर्ग में 5, च में 5, ट में 5, त में 5, प में 5। फिर आते हैं य र ल व। श श स है, इनको गिनने पर प्राप्त होते हैं पूरे 33 व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में स्वर हुए 11 और व्यंजन वर्ण हुए 33, कुल मूल वर्ण हो गए 44। अब हम बात करते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है, वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ए आ ई ई उ उ री ए आई ओ औ। 11 जो स्वर हैं इनका उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती तथा इनके उच्चारण में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। वायु मुख विवर से बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है। इन स्वर वर्णों को, इन 11 स्वर वर्णों को मात्रा काल के आधार पर, मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इन्हें ह्रस्व कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को ही मूल स्वर लघु स्वर कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए ई उ री। ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इनको मूल स्वर लघु स्वर कहा जाता है। ए ई उ री ये 4 हैं। दूसरा आता है दीर्घ स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है।
ह्रस्व से दुगुना समय लेने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, आ ई उ ए ऐ ओ औ। इस प्रकार 7 स्वर हमारे पास दीर्घ हैं और 4 स्वर ह्रस्व हैं। तो फिर तीसरा बच जाता है प्लुत स्वर। ये प्लुत क्या है? तो प्लुत की बात करें, सभी स्वर प्लुत हो सकते हैं जब इनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। मोस्टली ये संस्कृत में काम आते हैं। हम ओम लिखते हैं, ओम, तो ओ में हमें 3 गुना समय लगा। इसको हमने एक संकेत चिन्ह के द्वारा दिखाया है। ये बताता है कि स्वर को हमें 3 गुना बोलना है, अर्थात लंबा बोलना है। संस्कृत के जो मंत्रोच्चार होते हैं उनमें ये प्रयुक्त होता है। इस प्रकार स्वर को हमने पढ़ा। स्वर को मात्रा काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला था ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। व्यंजन वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है तथा जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख विवर से किसी न किसी बाधा के साथ बाहर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जिसमें कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण हैं ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। ऊष्म व्यंजन श, श, स और है, इन्हें ऊष्म कहा जाता है। और तीसरा आता है अंतस्थ, य, र, ल, व। तो इस प्रकार से अगर इनको हम जोड़ते हैं तो 25 प्लस 4 प्लस 4 पूरे हो जाते हैं 33। तो 33 अपने पास आए व्यंजन वर्ण। लेकिन जब कुल वर्णों की बात करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, कुल वर्ण की बात करें तो कुल वर्ण 52 हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार से है। स्वर के बारे में पढ़ चुके, स्वर 11, व्यंजन 33, अयोगवाह है अंग अह, ये 2 हुए। उत्क्षिप्त ढ़, ढ़, 2 हुए। संयुक्ताक्षर 4 हुए। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इस प्रकार से जब इनको जोड़ते हैं तो पूरे आते हैं अपने पास में 52 वर्ण।
डेट पहला से भाई 1:30 बजे तक, दूसरा से 3 बजे तक, फिर 4:30 5 बजे तक, अगर फिर रात की 2:11 बजे देखने की बात। चलो बाद में हम लोग का एक हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन, समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं तथा तथा भविष्य में भी, भविष्य में भी करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जो कुछ करनीय है, और जो कुछ करनीय है उसके लिए, उसके नहीं शब्द, नहीं शब्द हमारे हमारे शब्दकोश में, शब्दकोश में नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन आरएस प्रॉपर। थैंक यू बेंच अम्प्लान, शानदार तालियां लौटी थी। तेरे पगड़ा उस पानी में डाल दिया, जबरदस्त। उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने और जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाऊं। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद प्रार्थना पत्र में जो है विनोद जी चौहान का भी, ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके लिए, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपके लिए।